नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज वो हो गया है जो पिछले 3 साल में कभी नहीं हुआ। इस बार विपक्ष ने बीजेपी सरकार को उसी के हथियार से मात देने की कोशिशें की हैं, यानी जिस जीरो टॉलरेंस पर बीजेपी के नेता और बीजेपी सरकार इतराती रही, उसी जीरो टॉलरेंस को इनेलो सांसद ने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। घोटाले के सबूतों के दावों के साथ वो मीडिया के सामने आए हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि कहीं घोटाले में घिर तो नहीं गई सरकार। पहले आप इस रिपोर्ट में देखिए कि स्वास्थ्य विभाग पर सांसद दुष्यंत चौटाला ने क्या आरोप लगाए, स्वास्थ्य मंत्री ने क्या जवाब दिए, उसके बाद इसी बड़े मुद्दे पर बड़ी बहस। जो घोटालों पे दूसरों को घेरते थे, जो जीरो टॉलरेंस की कसमें खाते थे, जिन्हें भ्रष्टाचारी एक आंख न सुहाते थे, आज वही घोटाले के आरोपों से घिरे। वार पर इनकार जरूर कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में 300 करोड़ का घोटाला हुआ। किरण चौधरी कहती है कि सरकार में घोटाले ही घोटाले हुए, और विज कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ। मेरा ये अनुमान है, जो डाटा हमारे पास है अलग 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 डिस्ट्रिक्ट का, ये 125 करोड़ से ऊपर का मामला है, जिसके अंदर पूरे तथ्य हमारे पास अभी 5 जिलों के हैं। मगर मेरा ये अनुमान है, अगर 22 जिलों का प्रॉपर ऑडिट करवाया जाए तो ये पूरा मामला कम से कम 300 करोड़ से ऊपर का है। हमारी यही मांग है कि मुख्यमंत्री तुरंत प्रभाव से पिछले 4 वर्षों की हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी परचेजेस की ऑडिट करवाए सीएजी से, और साथ ही साथ जो तथ्य मैंने आज आपके सामने रखे हैं, इन तथ्यों की अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो मैं कॉपी उनको दूंगा, इसकी सीबीआई जांच कराए। अगर मुख्यमंत्री इसकी सीबीआई जांच नहीं कराते तो मैं खुद स्वयं सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा जी से समय लेकर ये तथ्य उनके सामने रखूंगा, और यही मांग करूंगा कि इस पूरे मामले की नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अति उत्साहित होकर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वी आर थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हमें ये अपने डिपार्टमेंट में देखने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन और उसको हम देखेंगे। परंतु मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो वो सनसनी एक फैला रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, तो 40 करोड़ में 300 करोड़ का घोटाला नहीं हो सकता। नहीं, अभी 300 करोड़ रुपए आंकड़ा उनके दिमाग की उपज है। घोटाले ही घोटाले हुए हैं भैया। सबसे बड़ा घोटाला तो प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, 35 लाख करोड़ का, ये जो दोनों मोदी जो है लेकर भाग गए, जिसके बारे में राहुल जी ने कल बताया। और हरियाणा के अंदर आपने देखा, खुले सरेआम जो है आपके ऑडियो टेप निकल रहे हैं कि 70 लाख रुपए जो है, 65 लाख रुपए उसके अंदर लिए जा रहे हैं। अब आपका इसमें जो निकला है हेल्थ का जो मामला है, हेल्थ के अंदर जो घपला घोटाला हुआ है, ये सारा का सारा काम दर्शाता है कि सरकार जो है उसकी केवल एक ही मंशा है कि अब जो कुछ रह रहा है उसको लपेट लो, अब समय जाने का आ गया है, और इसलिए जो है आप अपना कार्रवाई करते रहो। बात इतनी भर नहीं, दुष्यंत चौटाला ने जितने आरोप लगाए थे, अनिल विज ने चुन चुन कर एक एक का जवाब दिया। दुष्यंत के आरोप, 3 सालों में 300 करोड़ का घोटाला। विज का जवाब, 300 करोड़ का घोटाला, इनेलो के दिमाग की उपज। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना में करोड़ों का घोटाला। लोकल परचेज केवल 40 करोड़, 9 लाख का है। 2004, 2015, 2016 में जिला स्तर पे खरीदी गई दवाइयों में धांधली हुई, तो विज ने जवाब दिया कि 2015-16 में 29 करोड़ रिलीज हुए, जिनमें से 11 करोड़ खर्च हुए। दुष्यंत ने टेंडर पे भी सवाल उठाए, नहीं निकाला गया कोई टेंडर और ना ही उपलब्ध है कोई रिकॉर्ड। 14 जनवरी 2016 को शाम 4 बजे कमेटी बनाई गई। हैंड सैनिटाइजर को 325 रुपए में खरीदा गया, लेकिन जवाब में अनिल विज ने कहा कि हैंड सैनिटाइजर की खरीद सही तरीके से की गई है। सवाल में दुष्यंत ने पूछा कि 500 ग्राम कॉटन रोल 140 रुपए में खरीदा गया, लेकिन जवाब में अनिल विज ने कहा कि 20 रोल कॉटन के खरीद मामले की जांच के आदेश दिए। शगुन ट्रेडिंग कंपनी से ड्रग आइटम खरीदे गए, लेकिन कंपनी के पास ड्रग लाइसेंस नहीं है। जवाब मिला, शगुन ट्रेडिंग कंपनी की जांच कैग से करवाने के आदेश दिए। रोहतक में 3 महीने में 3 करोड़ के टेंडर हुए, रोहतक में परचेज की कोई तारीख नहीं है। 22 जिलों में ऑडिट करवाने पर और भी घोटाले सामने आ सकते हैं।
जीके ट्रेडिंग कंपनी पे छापेमारी के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में हुआ 300 करोड़ का घोटाला। 22 जिलों में 3 सालों में कुल 75 करोड़ रुपए ही दिए गए। हो सकता है दुष्यंत चौटाला ने जो आरोप लगाए वो अति उत्साह में लगाए हो, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जांच तो जरूरी है। एक एक तथ्य जनता के सामने आने चाहिए, क्योंकि घोटाला 300 करोड़ का हो या 300,000 का, घोटाला तो घोटाला है। अगर एक रुपए का भी घोटाला हुआ है तो आपको जवाब देना होगा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, कभी घोटाले का आरोप नहीं लगा कहकर अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार तब कहां सो रही थी जब अस्पताल में ये हेराफेरी हो रही थी। क्योंकि आप घोटाले को छोटा या बड़ा बता के जवाबदेही से बच नहीं सकती। अगर घोटाला हुआ है तो कुमार रमेश के साथ स्पेशल डेस्क खबरें भी। तो घोटाले की जांच की जाएगी ये सरकार कहती है, लेकिन जो इनेलो के आरोप हैं साथ ही सरकार की ओर से, हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सामने आए, उनके ओर से कहा गया कि जहां भी डिस्मिस स्तर पर अगर घोटाला या धांधली हुई है तो जांच करवाएंगे, लेकिन इतना बड़ा घोटाला हुआ नहीं जितने आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सनसनी फैलाए जाने की कोशिशें हैं, ये खुद इनेलो के दिमाग की उपज है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास पैनल मेरे साथ है, संजय आहूजा हैं हमारे साथ, हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता आप हैं, इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ रविंद्र ढुल हैं, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता रंजिता मेहता हमारे साथ हैं, आईएमए के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर श्याम सखा श्याम है हमारे साथ पैनल पर, और वरिष्ठ अधिवक्ता गुरिंद्र पाल सिंह जी हैं इस चर्चा में। सभी का स्वागत है, और शुरुआत आज करेंगे इनेलो से। ढोल साहब, आप लोगों ने आरोप लगाए, आरटीआई का हवाला दिया गया, उस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दे दिया आज पूरी तैयारी के साथ। कहां तैयारी की है ज्योति, जो असली चीजें थी उनके ऊपर तो इन्होंने बोला ही नहीं। सबसे बड़ा मैं कहता हूं कि इससे बड़ी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं हो सकती। जिस प्रकार के इन्होंने आधार बनाए हैं मेरे सामने, वो 50-60 पेज जो प्रमुख हमने यहाँ पे मीडिया के माध्यम, मीडिया को हमारे माध्यम से दिए थे, वो सबके सब मेरे सामने मौजूद है। यदि इन चीजों को मैं देखूँ तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से फोर्जरी का केस एक जगह नहीं कई जगह पे मेड आउट होता है। जैसे रोहतक के अंदर झूठी कमेटी बनाई इन्होंने, कहा मैं दुष्यंत जी ने वहाँ पे लाइव टीवी पे भी, लाइव उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया और मेरे सामने यहाँ पे पड़ा भी हुआ है। ना तो कोई डेट है उसके ऊपर, ना ही कुछ और लिखा हुआ है, और एक एक सिंगल एक पेज के ऊपर, प्लेन पेपर के ऊपर एक कमेटी बना ली। ऐसे ही हमने ये कहा कि 3 करोड़ रुपए की परचेज हुई हेपेटाइटिस की, ये मंत्री जी ये कहते हैं कि केवल और केवल 3 लाख रुपए की परचेज हुई, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। मैं आपको कोट कर रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, 18 जनवरी 2016 को 10 लाख की परचेज है, 15 जनवरी 2016 को 19 लाख की परचेज है, 22 जनवरी 2016 को फिर 19 लाख की परचेज है, फिर 29 जनवरी 2016 को फिर 19 लाख की परचेज है। ऐसे ही फरवरी में 3 बार परचेज, मार्च के अंदर 3 बार, 4 बार परचेज है, और 4 बार अप्रैल में परचेज है। टोटल परचेज 3 करोड़ की, मंत्री जी कहते हैं कि 3 लाख रुपए की, इससे बड़ा झूठ क्या होगा। और जिस कंपनी से मैंने बताया कि जिस कंपनी से इन्होंने टेंडर किया, ये भी हमने ऑन रिकॉर्ड वहां पर दिखाया था कि जिस कंपनी लाइफ केयर सेंटर से इन्होंने कथित तौर पे टेंडर खुलवाया, वो लाइफ केयर सेंटर के जो है यहां, ये टेंडर का जो डॉक्यूमेंट है ये लेटर पैड फेक है। इसके अलावा इसके पीछे वाला जो लेटर पैड है, जो दो कंपनियों को इन्होंने अलग अलग टेंडर दिया, दोनों के दोनों लेटर पैड नकली है, और दोनों लेटर पैड अलग अलग कंपनी के हैं लेकिन दोनों पे हैंडराइटिंग एक है, ये झूठ। अगला झूठ जीके एंटरप्राइजेस, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जीके एंटरप्राइजेस हमने फतेहाबाद का, हमने हिसार का बताया, ये गुलशन कुमार जो है जेल काट रहा है इस समय देशद्रोह के केस के अंदर, तो देशद्रोह के केस में गुलशन कुमार जो केस डाल रहा है, वो गुलशन कुमार जेल के अंदर बैठा बैठा वहां पर चेक साइन करके दे रहा है, उसी कंपनी को जो है टेंडर अलॉट हो रहे हैं। बड़ा मजेदार चीज ये है कि सिंडिकेट बैंक में गुलशन कुमार का खाता है, उसी सिंडिकेट बैंक में काउंसिल फॉर जो फार्मेसी है उनके चेयरमैन का भी की कृष्णा ट्रेडर्स का खाता है, जो कि उन्होंने माना है कि कृष्णा ट्रेडर्स, मैं आपको बता रहा हूं उसी ब्रांच में, सिंडिकेट बैंक की उसी ब्रांच से, उस खाते से जो है कृष्णा ट्रेडर्स में जो है पैसा वहां से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और बड़ी गजब की चीज है, कृष्णा ट्रेडर्स जो है ये जो इसकी कंसल साहब की बिल्डिंग है, 3 मंजिला वहां पर हिसार में, उसी बिल्डिंग में धोबी की दुकान चला रहा था गुलशन कुमार। कंसल साहब की बिल्डिंग के अंदर चला रहा था धोबी की दुकान वो गुलशन कुमार, धोबी को इन्होंने टेंडर दिया इस चीज का। उस धोबी से जो परचेज की, डनलप के गद्दों की परचेज हो वो फेक है, क्योंकि डनलप की बात की गई, नकली गद्दे दिए गए उनको, ऐसे ही दवाइयों की परचेज। तो ये बहुत बड़ा जो है झूठ का कटघरा। शगुन एंटरप्राइजेज जो कि मैं बता रहा हूं इस फतेहाबाद के अंदर जिसको टेंडर दिया गया, उसी शगुन एंटरप्राइजेज को रेवाड़ी में टेंडर दिया गया, दोनों इसके पास में ड्रग का लाइसेंस नहीं है ये तो आपको पता है, लेकिन फतेहाबाद में 2 अलग अलग कोटेशन में एक शगुन एंटरप्राइजेज के 2 अलग अलग एड्रेस आए हैं, एक जगह उसको हिसार की कंपनी बताया गया, एक जगह उसको फतेहाबाद की कंपनी बताया गया। ऐसे इस तरह की चीजों के ऊपर बात ना करके यहाँ पर मजाक कर रहे हैं,
जहां पर इन्होंने कहा कि जैसे हैंड सैनिटाइजर कहा कि 325 रुपए का, 325 रुपए में 2016-17 का, 2016-17 का मेरे पास में गवर्नमेंट टेंडर डॉक्यूमेंट है, उसमें 185 रुपए उसका रेट लिखा हुआ है। ये कैसे कह रहे हैं कि 325 रुपए? इससे बड़ी झूठ मैं नहीं कह सकता कि मंत्री इस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं। संजय आहूजा जी, क्या मंत्री जी की ओर से झूठ बोला गया जो कि इनेलो कहती है? पहले तो मैं इनके माननीय सांसद दुष्यंत चौटाला जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये एक घोटाला उजागर किया, ये जो आज भास्कर में दिखाया गया इतना बड़ा, तो इनका बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि सांसद महोदय अपने आंकड़ों में खुद फंस गए। अभी ढुल साहब ने कहा कि इतनी परचेज हुई 300 करोड़ का या 100 करोड़ का, इन्होंने रोहतक की बात की, रोहतक में 3 करोड़ की परचेज का इन्होंने आरोप लगाया है। उसमें इसमें साफ साफ दिखाया है मंत्री जी ने कहीं झूठ नहीं बोला। हाँ। मेरे पास है 2,88,67,700 रुपए की परचेज हुई और उसकी विजिलेंस जांच अभी चल रही है। ये बिल्कुल मेरे पास सामने है रिपोर्ट। ये कैसे कह रहे हैं कि हमने 2.5 करोड़ से ज्यादा? देखिए ज्योति जी, पहले हमारे आरोप के बाद या पहले? पहले एक मिनट प्रारंभ जी, वो मैं बता देता हूँ। डुल साहब, आपने ये कहा 3 करोड़ की बात हो रही है, मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने 3 लाख की बात कही। पहली बात तो ये गलत साबित होती है। ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास भी ऑन रिकॉर्ड है। ज्योति जी, देखिए मैं किसी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा। डुल साहब ने सीधा सीधा आरोप लगाया मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं 3 करोड़ की परचेज के एवज में। आंकड़ों के साथ बता रहे हैं सर। मैं भी आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ, ये मेरे पास रिपोर्ट है, ये सरकारी आंकड़े है, कंपनी से एक से सरकारी आंकड़े, ये सरकारी आंकड़े है, कंपनी से। डुल साहब मैं एक बात कंप्लीट कर लूं। आप किसी कंपनी के बारे में बोलिए, किसी के बारे में बोलिए, मेरे को किसी से कुछ नहीं लेना। आपने सीधा सीधा आरोप लगाया मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, मैं उस चीज का ये डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट जो आज प्रेस को माननीय मंत्री जी ने दिया, जिसमें 2,88,67,700 रुपए की परचेज हुई और उसकी विजिलेंस जांच हो रही है। ये इनके घोटाले से, इनके कंप्लेंट से पहले की बात है। देखिए ये, और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि टेंडर नहीं लगाया गया, 14/1/2016 को टेंडर लगाया गया, उस पर टाइम भी दिया गया, मंत्री जी ने स्पष्ट किया इस बात को, तो झूठ कहां साबित हुआ? ये टेंडर है, ये ज्योति, ये टेंडर है जी, आप दिखाइए इसको भी हम जूम करके दिखाएंगे। ये टेंडर है इनका। अनिल जी से मैं कहूंगी कि इसको भी जूम करके दिखाया जाए, जो कि इनेलो की ओर से जो डॉक्यूमेंट अभी दिखाया गया, टेंडर को लेकर बाद में चीजें सामने आती हैं। और कब तक विपक्ष को शुक्रिया कहते रहेंगे सर? 3 साल तक अगर घोटाले होते रहे मंत्री जी की नाकामी, अगर उनके विभाग में घोटाले होते रहे, क्या सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी अगर घोटाला पाया गया? इसमें जिम्मेवारी पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है जी, जो सरकार की जिम्मेदारी, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का, उसमें एक कहा गया कि कोई विधायक या मंत्री बीजेपी सरकार का इसमें संलिप्त पाया ही नहीं जाएगा, वो गारंटी लेते हैं इस बात की बिना किसी जांच से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरी बात, पूछा गया, जवाब देने दीजिए रंजीता। ज्योति, ताज्जुब इस बात का है कि इतनी हड़बड़ाहट हुई है बीजेपी में इस सब जांच के बाद कि अनिल विज जी को आनंद फानन के अंदर पहले तो 8 सिविल सर्जन को ट्रांसफर करना पड़ गया, उसके बाद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी फेसबुक पे लाइव करनी पड़ गई अपनी सफाई देने के लिए। आज मुझे ये लगता है कि वो एक शेयर, अभी आते आते ताज़ा शेयर सुनाऊंगी इसके ऊपर, कि डरे डरे सहमे सहमे से अनिल विज और सरकार नजर आते हैं। दूसरों के लिए सपना लेने वाले आज उनको खुद के जेल जाने के आसार नजर आते हैं। आने दीजिए 2019 के चुनावों को, जो हरियाणा के लोग हैं वो इनको सत्ता से उतारने के लिए बेकरार नजर आते हैं। नहीं, सरकार ये कहती है कि बड़े स्तर पर कोई घोटाला नहीं हुआ, जो लोकल लेवल पर जिला स्तर पर जो खरीद की गई है, अगर उसमें घोटाला हुआ है तो हम उसकी जांच करवा लेंगे, हमने जांच के आदेश दिए। मैं आपको हर बार जब भी इनका कोई घोटाला सामने आता है ज्योति जी, हर बार ये यही तो जवाब देते हैं कि हम जांच करवा लेंगे। इतने बड़े बड़े सबूत इनके सामने दिए जा रहे हैं, क्या ये इस बात से इनकार करेंगे कि गुलशन कुमार, जिसकी जीके इंटरनेशनल कंपनी है, वो जेल के अंदर नहीं है? हाँ। ये इस बात के लिए इनकार करेंगे कि क्या उनके पास ड्रग का लाइसेंस ही नहीं है, जिनको ड्रग के लाइसेंस के लिए उनको टेंडर्स दिए जा रहे हैं? ये इस बात के लिए इनकार करेंगे कि NSM के जो जितने भी लोग हैं कल से स्ट्राइक पर जा रहे हैं? आज आपका पूरा मंत्रालय जो है सवालों के घेरे के अंदर। देखिए मैंने पहले कहा कि जो भी अगर कोई चीज सामने आती है तो उसकी जांच ही हो सकती है,
और मंत्री जी ने इमीडिएट वो टीम भेज दी कि जीके इंटरनेशनल। तो अब तक क्या मंत्री जी सोए हुए थे ये बता दीजिए? जो मंत्री जी दूसरों के डिपार्टमेंटों के लिए तो धड़ाधड़ ट्वीट करते हैं और इंटरफेरेंस करते हैं, अपने डिपार्टमेंट में उनके सिर के नीचे घोटाले हो रहे हैं और उनको खबर भी नहीं है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सैनिटाइजर को तो सैनिटाइजर बोल रहे हैं, उनको प्रनाउंस नहीं करना आ रहा। इससे क्या पता लगता है कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप उसमें से गलतियां निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है, कभी ये जुबान है हमारी फिसल भी सकती है, किसी शब्द को कैसे बोलते हैं। मैं हैरान हूँ आपकी बात से। एक वक्त में सरकार को जानकारी ही नहीं है किस तरह से खरीद की जा रही है। देखिए लोकल डिपार्टमेंट में मंत्री जी ने साफ स्पष्ट कहा, लोकल डिपार्टमेंट में डॉक्टर साहब साथ बैठे हैं, उनकी अपनी पावर होती है, कमेटी बना के परचेस की जाती है। जो इन्होंने मास्क की बात की वो वाकई ही वो 95 पैसे में खरीदा गया था, वो सिंगल लेयर था। उन्होंने ये इसको डिस्क्राइब किया उस चीज को कि जो मास्क खरीदा गया वो पहले क्या खरीदा गया था और अब क्या खरीदा गया। अब ये बात तो वही हुई, दूध लिया 1 किलो फटा 2 किलो और पनीर निकला 4 किलो, ये क्या बात हुई? मतलब आपने परचेज की गाड़ी गाड़ी तो ज्योति जी, ज्योति जी मेरी बात ज्योति जी मुझे ज्योति जी बात पूरी करने दीजिए पहले। और इतना आप मानते हैं कि 2 किलो दूध फटा है, फिर बीजेपी मानती है कि 4 किलो मत कहिए 2 किलो फटा है, उतना हम मान लेंगे, उसमें हमें कोई परहेज या परेशानी नहीं है। घोटाला हुआ है दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं जी, ये जो दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं 100 करोड़ का 1 मिनट। आप अपनी बात रख लेना। उन्होंने कहा स्वीकारते हैं ना इस बात को, सिर्फ आंकड़ों से दिक्कत है क्योंकि मंत्री जी की ओर से भी कहा गया, मंत्री जी की ओर से भी कहा गया कि निचले स्तर पर अगर कहीं भी कोई मांग नहीं है तो मैंने इस बात से चौटाला जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। चौटाला साहब बहुत स्वागत है आपका। खबरें अभी तक पर क्या कुछ आरोप आपकी ओर से लगाए गए थे वो हमने सुने, अभी मंत्री जी की ओर से सफाई आज शाम को दे दी गई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, इन्हें आंकड़ों का जाल आपके सामने बिछवाया कि केवल मात्र 100 से कम करोड़ रुपया खर्चा गया, फिर मंत्री जी के आला अधिकारी उनको बताना भूल गए कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है उसका 3 साल का बजट 14 करोड़ का था और मंत्री जी केवल मात्र जनता को ये बता के गए कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में हमने 10 करोड़ रुपए बांटे। आज जो आंकड़े है वो मंत्री जी ने सिर्फ ये बताया कि फील्ड में दवाई खरीदने के लिए कितना रुपया गया। हाँ। जो इम्प्लीमेंट्स हैं हॉस्पिटल में यूज आते हैं, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे और प्रकार की चीजें हो जो सिविल सर्जन परचेज करता है ऑपरेशन थिएटर के लिए, ना तो उसके आंकड़े रखे जी। ना ये बताया जो गद्दे खरीदे गए, जो चदरें खरीदी गई, जो और इम्प्लीमेंट खरीदे गए उसके लिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ जो जीके कंपनी थी वो दवाइयां बेचती थी जी। वो गद्दे बेचती थी, वो चद्दर बेचती थी, वो और प्रकार के सारे इम्प्लीमेंट्स बेचती थी सरकार को। और आज उसका टिन नंबर जो है वो कहता है कि किराना स्टोर का मालिक है और मंत्री जी ने खुद माना है। इनकी आज विजिलेंस की टीम ने छापे भी मारे हैं, ड्रग कंट्रोलर टीम ने हिसार में भी छापे मारे हैं और उसके अंदर भी तथ्य सामने आए हैं कि जिस दुकान पे जीके का रजिस्टर्ड एड्रेस है उस दुकान पे आज भी डाई करने की एक दुकान चल रही है जी। दूसरी एक जो फर्म थी आज उसके दफ्तर के अंदर भी 8x10 का कमरा खाली पड़ा है, उसके अंदर कोई कार्य नहीं हो रहा। अगर सरकार ऐसी फेक कंपनी से परचेज करती है तो क्या ये स्कैम नहीं है जी। मंत्री जी ने खुद अपने मुंह से माना है कि इरेगुलेटरी प्राप्त हुई है, इसका मतलब तो ये स्कैम है। और हमारी तो यही मांग है कि इस पूरे मामले का CAG ऑडिट कराया जाए और इसकी जांच जो है तो CBI के हवाले दी जाए कि आम जनता का करोड़ों रुपए इस तरीके से इन प्राइवेट कंपनीज के साथ मिल मिलकर इरेगुलर एक्टिविटीज कर कई अधिकारियों ने मंत्रियों ने खाने का काम। देखिए बचाव करते टाइम जो मंत्री जी की ओर से बात कही गई, डिफेंड करते टाइम वो कहते नजर आए कि खरीद ही 40 करोड़ की हुई है तो 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कैसा हो जाएगा? अगर मंत्री जी 40 करोड़ की खरीद मान रहे हैं तो मैं तो आप मेरे ट्विटर पे जाके देख लीजिए, मैंने तो वेबसाइट का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का लिंक डाला हुआ है और उनके बजट डाला हुआ है कि हर साल कितना पैसा हुआ। या तो मंत्री जी कह रहे हैं ये बजट हरियाणा प्रदेश ने यूटिलाइज करे बिना ही वापिस कर दिया, और अगर बजट यूटिलाइज हुआ है हेल्थ सेक्टर में तो उसका आंकड़ा दीजिए, हम तो आंकड़े मांग रहे हैं। केवल मात्र ये बोलकर कि जो दवाइयां परचेज के लिए हमारी ओर से पैसा भेजा गया
वो लगभग 83 करोड़ था। ठीक है, चलिए 83 करोड़ का केवल मात्र दवाई परचेज की। ठीक है, जवाब लेंगे। क्या मंत्री जी को जानकारी नहीं या झूठ बोला गया, इस बात का जवाब दीजिए संजय जी। बिल्कुल भी नहीं, आंकड़े उन्होंने पेश किए और ये ऑन रिकॉर्ड है। और मेरे पास ये जो कागज दिखा रहा हूँ ये सरकारी कागज है जो मंत्री जी के विभाग से मैंने लिया अभी। उसमें साफ साफ आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा गया है 14-15 को केंद्र की ओर से कितनी राशि आई उसकी जानकारी दी गई, कितना खर्च कर लिया गया, कितना वापस किया गया। देखिए राशि, एक बात ज्योति जी, केंद्र से कितनी आई, सरकार ने कितनी दी, बात ये हो रही है कि विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने 14-15, 15-16, 16-17 में कितनी राशि विभाग को दी और उसमें से कितनी खर्च हुई, कितनी राशि दी और कितनी खर्च कर। हाँ, ये मैं बता देता हूँ आंकड़े। 14-15 में मुख्यमंत्री जो मुफ्त इलाज योजना है उसमें 28 करोड़ रुपए राशि आई, जो खर्च हुई वो 8.76 लाख रुपए खर्च हुई, बाकी खर्च नहीं किया गया। सुविधाएं हैं ऑलरेडी, क्या खर्च करने की जरूरत है। देखिए अब इनकी बात कर ले कि इन्होंने क्या सुविधाएं दी थी। आपने सिर्फ 28 करोड़ का जिक्र किया, आगे आगे बता दूं मैं। और उसके बाद 15-16 में 29 करोड़ रुपए राशि दी गई जिसमें से 11.3 लाख रुपए खर्च हुई, और 16-17 में 18 करोड़ दी गई और जिसमें राज्य सरकार की ओर से दी गई, राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। हाँ। और 16-17 में 18 करोड़ दी गई और जिसमें 13.24 लाख रुपए खर्च हुई, और टोटल मैं एक बार बता दूं पूरी ज्योति जी। जी आएंगे आपके पास एक बार, फिर से आएंगे। ढोलसा बोले, देखिए ये फिर यहाँ पर आंकड़ों के अंदर उलझा रहे हैं। सिविल सर्जन को अलग जाता है और सिविल जो है आपका हॉस्पिटल को अलग अलग से जाता है। दो अलग अलग प्रकार के बजट हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है 4-4 करोड़ का बजट दोनों को उपलब्ध रहता है। एक जिले में 8 करोड़ रुपए का बजट है इसका, जो कि इसका मुख्यमंत्री इसका है। ठीक है, और दूसरी चीज जो मैंने बताई और बड़ी गजब की चीज है, बार बार जिस चीज को ये इग्नोर करने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक वर्कर कंसल को अभी मार्च 2018 में चेयरमैन बनाया फार्मेसी काउंसिल का। वो बिल्ली है जिसके हाथ में दूध की रखवाली दी गई है, उस बिल्ली का ही किया हुआ काम। जैसे जीके एंटरप्राइजेस की एक चीज और बता दूं ज्योति में, खास बात, जीके एंटरप्राइजेस जो यहाँ पर काम कर रहा है, जीके एंटरप्राइजेस के लेटर पैड पे आप जांच कराइए, जो राइटिंग है वो भी चेयरमैन साहब के सुपुत्र की है। इससे ज्यादा जो है बड़ा घोटाला ये दिए कहते हैं। और खास बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर है, मैं बार बार कोट कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर है, पॉलिटिकल पोस्ट है, 3 साल के लिए अपॉइंट किया। इस तरह के घोटाले अगर हो जाते हैं क्या सिर्फ अधिकारी उसमें संलिप्त होते हैं? देखिए मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगा। एक तो इन्होंने भी कहा कि कैग से उनसे जांच करवा रहे हैं। कैग ने पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी, 39 जगह ये बताया कि सिंगल टेंडर वो दिए गए, फर्म के नाम भी दिए थे, आपको पता है। तो यहां भी वही हाल हुआ, यानी बिना सरकार को सब पता है कि सिंगल टेंडर से क्या होता है। तो आप ये बताइए, अच्छा उसमें भी ये बताया गया कि दागी पार्टियों को दिए गए, वो जो डिफाल्टर थे जिन्होंने 86 में से 380 में से सिर्फ 86 काम किए और फिर दागी हो गए, उनको दिया गया। अभी अभी आप ये देखिए ना, अब भी वही हाल है कि दागी कंपनियों को दिए गए और सिंगल आदमी को दिए गए, 3-3, 4-4 जगह दिए गए। अभी तो कुछ जिलों की आई है ना, हो सकता है वो सारे जिलों में ही हो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर जो संजय आहूजा जी दे रहे हैं, तो क्या जो इतना ढोल पीटा जा रहा है उसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, उतने पैसे से तो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि मुफ्त का इलाज हो रहा है। बिल्कुल। तो उसका क्या जवाब होगा? पैसे वापस उसके अलावा भी क्या, आप अगर देखें इस सरकार में बेसिकली क्या होता है कि लोकतंत्र में लोकहित की सरकार होती है। हरियाणा में तो सरकार ही नहीं है, आपने इसमें देखा होगा विधानसभा में मंत्री जी को सवाल दागे गए, मंत्री जी देख रहे हैं अफसर दीर्घा में, वहां कोई अफसर ही नहीं बैठा उनके डिपार्टमेंट का। आप ये बताइए, जब विधानसभा में अफसर मौजूद नहीं है तो वो अफसर किस मंत्री की माने? साथ रोकेंगे, कमेंट ले लेंगे गुरिंदर पाल सिंह जी का। जब बिना ड्रग लाइसेंस के कंपनियां जो है दवा खरीदने का काम करती हैं तो कानून क्या कहता है? दोनों बातें, पहले सबसे तो ये है कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं आज उनसे कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रही है, तो इसलिए जरूरी नहीं होता कोई कंप्लेनेंट एप्लीकेशन लेके जाएगा पुलिस के पास और उसलिए पर्चा दर्ज होएगा। FIR दर्ज होनी चाहिए इमीडिएटली इन सभी केसेस में, और इंक्वायरी करनी पहले जरूरी नहीं है। मैं पहले भी नीचे भी बात कर रहा था कि ललिता कुमारी के केस में 5 जजेज बेंच ने 2013 में ले डाउन किया हुआ है कि यदि कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आती है
वो जरूरी नहीं कोई हाथ में पकड़ के लेके आए, उनको सुओ मोटो मिलती कहीं से भी प्राप्त होती है, तो इमीडिएटली एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, उसमें मुलजिम कौन है कैसे है। और ये जो मौजूदा जो ये आज वाला केस है, एक्सपर्ट के अलावा एक नागरिक होने के नाते मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये लोग इतने बड़े बैठे हैं, थोड़ा जल्दी सर। ये जब 10-10 हजार करोड़ के, 5-5 हजार करोड़ के, 2-2 हजार करोड़ के इलेक्शन लड़ते, मैंने कभी इनको चंदा मांगते तो देखा नहीं, ये घोटाले नहीं होंगे तो और होगा क्या, पैसा आता कहाँ से इन लोगों के पास। तो कथित दवा घोटाले को लेकर कानून क्या बोलता है, साथ ही विपक्ष के जो आरोप हैं वो क्या हैं, और साथ ही सरकार ने सफाई क्या दी है, दावे क्या किए गए हैं, उसको लेकर एक खास पैनल के साथ चर्चा हम कर रहे हैं। संजय आहूजा जी, ये बता दीजिए कि जांच जब आप लोग करवा रखे हैं तो एफआईआर शुरुआती तौर पर करवाने में परेशानी क्यों है? इस बात से किसने इनकार किया कि एफआईआर लॉन्च नहीं होगी? घोटाले जैसे ही ये पता लगा कि इस माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने ये घोटाला उजागर किया आज पेपर के माध्यम से, माननीय मंत्री जी ने इमीडिएट प्रेस बुलाकर और ड्रग कंट्रोलर की टीम को वहां भेजकर यह पता लगाने की कोशिश की कि जो घोटाले की बात की है, जो जीके ट्रेडिंग कंपनी और दूसरी कंपनी पर आरोप लगाए गए हैं, एफआईआर होंगे? बिल्कुल एफआईआर बिल्कुल होगी। अभी अभी मैंने मंत्री जी से बात की है, सुबह तक जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी ड्रग कंट्रोलर टीम की, उसी टाइम एफआईआर दर्ज होगी, ना कि जांच होगी, इमीडिएट एफआईआर दर्ज होगी, वो कोई भी हो। आपने कहा कि वो डूल साहब ने कहा कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, फलाना का, किसी का भी कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, कोई भी नहीं। सर ये कैसे हो सकता है, आप 3 साल बाद कहते हैं कोई भी हो, आप लोगों ने किया क्या, क्या किसी को राजनीतिक लाभ पहुंचाया गया आप लोगों की ओर से? तो जब सीएम के करीबी का बेटा बताया जा रहा है, बताइए स्वास्थ्य मंत्री के करीबी के बेटे को अगर फायदा पहुंचाया गया 3 साल बाद, आप लोग कहते हैं कि चलिए जांच करवा लेंगे, क्या ये काफी है? मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा ये काफी है। और ये बात कहां साबित होती है कि वो मुख्यमंत्री जी का बेटा या रिश्तेदार है? राजनीतिक नियुक्ति है चेयरमैन की, ये मैं स्पष्ट बता दूं, राजनीतिक भर्तियां कर रखी है इन बड़ी कुर्सियों के लिए, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है। राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, चेयरमैन राजनीतिक लोग लगते हैं, इनके टाइम में लगे, कांग्रेस के टाइम में लगे, और इससे कहीं निकाला नहीं जा सकता किसी बात को। लेकिन संजय जी ये बता दीजिए, फॉर्मूला कौन सा है जिससे स्टोर कीपर से चेयरमैन माना जाता है? वो आपके टाइम में फॉर्मूला यूज होता था, फॉर्मूला बता दीजिए, जो अमीषा के बेटे की कंपनी 5,000 से वो कांग्रेस हुई है तो जांच करवा लेंगे। तो और इसके अलावा और क्या कह सकते हैं आप? ये कह रहे हैं कि उनके उनके एक मैंने देखिए और जांच की, अरे मैं तो घोटाला वो मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया है और वो पूरा उतरेंगे, और मैं वही बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि उसके भी टाइम दीजिए, हम जनता के नुमाइंदे, आप सिर्फ पॉलिटिकल लोग नुमाइंदे हैं। क्या होगा सर, शुक्रिया अदा करने से चीजें ठीक हो जाएंगी क्या? 3 साल तक मैंने बिल्कुल नहीं कहा, अगर ये घोटाला देखिए, आपने कहा इस्तेमाल किया जाता, आपने धोखा किया जाता, ज्योति जी बिल्कुल धोखा नहीं, आपने ये कहा कि एक मिनट सुनिए सर, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, मैं तो किसी पार्टी का नहीं, मैं जनता का नुमाइंदा हूं। ये कहते हैं कि कांग्रेस लोकदल ने नहीं किया, इसका मतलब आप भी वही करेंगे? आप किस वायदे के साथ? एक मिनट, मेरा पूरा बात होने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे बाद में जब आपकी बारी आएगी कि जो कांग्रेस और उसने गलत काम किए वो भी गलत आप काम करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि वो डबल उसका था लेयर का, मैं आपको 16 सेक्टर में ले चलता हूं, 3 लेयर का भी 1 रुपए में मिलता है, और एक्चुअली अगर alibaba.com पे जाएंगे तो 3 लेयर का अगर आप मान लिया 50,000 या 1 लाख खरीदते हैं तो 25 पैसे में भी मिलता है, और वही क्वालिटी, सारे चाइनीज है वो मास्क, कोई इंडियन मास्क नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि भाई इस तरीके की चीजें वहां होती क्यों है, कि भाई पहले आपने स्पेसिफिकेशन में क्यों नहीं दिया कि 3 लेयर का होगा? वहां आपने कहीं ये भी नहीं लिखा हुआ इसमें कि वो सिंगल लेयर होगा, 3 लेयर, उसको सिर्फ बचाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि भाई वो सिंगल लेयर का था तो 3 लेयर का लिया। आप 16 सेक्टर यहाँ पास में है,
आप चलिए थ्री लेयर का दिलाता हूं मैं आपको 50 पैसे में। ज्योति जी ये इस तरीके की चीजें हैं। खेला फिर थोड़ा टेक्निकल सा शब्दों का खेल खेला जो आम पब्लिक बिल्कुल समझ ना ये पब्लिक इस बात में बहुत दुखी है। कहीं ना कहीं और हर बार प्रवक्ता ये कह देता है कि कांग्रेस ने नहीं किया लोकदल ने नहीं किया क्या हमने इसीलिए बनाया नहीं बिल्कुल ये बात नहीं कही मैंने नियुक्ति की बात की कि ये राजनीतिक नियुक्ति चेयरमैन की या किसी भी सदस्य की राजनीतिक नियुक्ति होती है। लाभ पहुंचाया आपने कहा लाभ नहीं पहुंचाया आपने कहा लाभ नहीं पहुंचाया चलिए चलिए डॉक्टर साहब आपने गलत समझ लिया मैंने राजनीतिक नियुक्ति की बात की मैंने राजनीतिक नियुक्ति की बात की एक चीज में मैं संजय भाई चाहे भाजपा से हैं पर इनकी सादगी के ऊपर सलाम करती हूँ कि कहीं ना कहीं अंदर से स्वीकार करते हैं और चैनल में भी स्वीकार कर रहे हैं कि वाकई ही घोटाला हुआ है और हुआ है तो अनिल विज साहब जांच के अलावा और क्या कर सकते हैं आदेश ही दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं ये बहुत अच्छी बात है कि ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। आपका सोचना है कि आप इसको किस बात से लेकर जाते हैं। दुष्यंत चौटाला क्या कहते हैं सबूतों को लेकर और स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा सबूतों को लेकर। देखिए जो उनको आरटीआई दिया गया है वो हमारे ही सिविल सर्जन ने दिया है और उसकी कॉपी हमने मंगवा ली है। अगर उनके पास के उससे अतिरिक्त जानकारी है तो ही इज वेलकम ही कहीं वो किसी भी दिन मेरे दफ्तर में आए और जो वो सबूत देंगे उसकी हम पूरी सख्ती से जांच करेंगे। इस बयान को दिया उनने मैंने उसी टाइम सारे तथ्य ट्विटर के माध्यम से उन तक पहुंचा दिए। अनिल विज जी अगर चाहते हैं तो विश्वास दिलाए किसकी सीबीआई इंक्वायरी करेंगे हम पांचों के पांचों जिले के एक एक तथ्य एक एक सेट उनको उपलब्ध करा देंगे। पर हम इस हमारी यही मांग है कि पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का कैग का ऑडिट हो सीएजी द्वारा ऑडिट कराया जाए और साथ के साथ इस पूरे घोटाले पर सीबीआई की जांच करें। नोल साहब सबूत दे दिए जाए ये बात कही गई स्वास्थ्य मंत्री की ओर से सीएम की ओर से भी कहा गया कि आरोप लगाने आसान है साक्ष्य दीजिए सबूत दीजिए। यही तो मजाक की बात है ज्योति जब हमने आरटीआई लगाई हाईकोर्ट के माध्यम से हमें आरटीआई मिली है पहले तो मैं ये बता दूं किसी सिविल सर्जन ने नहीं दी बाकायदा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के अपॉइंटेड थे उन्होंने भी इस आरटीआई को मना किया कि ये दी नहीं जा सकती टेंडर की आरटीआई। हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाद में आरटीआई लगी है पहले तो मंत्री जी आंकड़े को दुरुस्त करें ये झूठ मत बोले सबके सामने। दूसरी चीज जो है सबूत मेरे सामने यहाँ पर भी आज भी पड़े हुए हैं 50 पेजों के तो मैं संजय आहूजा जी को आपके माध्यम से भी दे देता हूँ चलता हुआ दे जाऊंगा मैंने मीडिया को भी हमने दे दिए थे। जहां तक बात इनके पास में सबूतों की हर एक चीज का इनके पास में सबूत है ये बात करते हैं ना कि धन्यवाद करता हूं हाँ। मैं आपको एक और काउंसिल का मैं मामला इनके अनिल विज जी के डिपार्टमेंट का आपके सामने मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं होम्योपैथी काउंसिल एक ऐसी काउंसिल है जहां पर डॉक्टर हरप्रकाश शर्मा जी को इन्होंने चेयरमैन लगाया इन्हीं के बंदे हैं वो उनके एक विरुद्ध शिकायत हुई नवंबर के अंदर कि अपने बच्चे को ये अपने बंदे को लगाना चाहते हैं इस काउंसिल का रजिस्ट्रार मंत्री जी तक शिकायत गई केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर तक शिकायत गई नवंबर 8 नवंबर को 10 नवंबर को मैंने मीडिया को कहा 4 दिसंबर को उसी व्यक्ति को सभी शिकायतों को दरकरार लगते हुए सेलेक्ट कर लिया गया बाकायदा पेपर लीक करके मैं ये भी बता देता हूं पेपर लीक कहां पर तय किया गया मेरे पास यहां तक की भी जानकारी है। और क्या मंत्री जी को उसकी जानकारी नहीं थी कि काउंसिल के अंदर एक गलत आदमी को अपॉइंट किया जा रहा है क्यों नहीं वो जांच कराते आज मामला हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है फटकार लगा रही है हाईकोर्ट क्यों नहीं मंत्री जी जांच कराते इस तरह की चीजों की जब इनके पास में पहले से भ्रष्टाचार की जानकारी हम उपलब्ध करा रहे हैं कि 4 दिसंबर को पेपर होगा श्रीमान जी और इस व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाएगा इस व्यक्ति को पेपर दे दिया गया लीक किया गया और मंत्री जी सरकार इंतजार क्या करती है जांच के लिए। जांच के लिए कोई इंतजार नहीं करते जो तथ्य सामने आते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। क्या कार्रवाई की बात है तथ्य बताया उसमें जांच मैंने अभी 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 भी सामने क्या कहा डक्सा बैठे हैं विभाग को एडवांस में बताया नहीं विज साहब ने क्या कहा विज साहब ने कहा कि चौटाला जी मुझे बोले ये सबूत देना क्या विपक्ष का जनता का या और किसी का काम है कि मंत्री का खुद है कौन देखता है अभी अभी आपके सामने कहा उन्होंने अभी कहा कि वो मेरे कमरे में आए और दें यानी ये काम विपक्ष का है या जनता का है कि वो घोटाले पकड़े वो चोरों को पकड़े ये सरकार का काम है कि विपक्ष का है आरोप लगाया विपक्ष ने आपका क्या उन्होंने आरोप लगाया ना आरोप लगाया विपक्ष कैग ने उन्होंने कैग ने 39 का उपाय उनकी कोई हुई जांच जांच करवाई है 4 दिन पहले कैग की रिपोर्ट आई उसमें कोई जांच की रिपोर्ट प्रक्रिया हुई शुरू है बताइए ज्योति जी आपके पास कोई खबर है बिल्कुल उसके लिए सरकार बाध्य नहीं है और इस बात का फायदा हर एक सरकार करीब करीब उठाती रखी है कि कैग की रिपोर्ट को कितना गंभीरता से लिया जाता है उसकी जानकारी सभी को है लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है रंजिता जी उसमें जानकारी भी पूरी मिल चुकी है उसके बाद भी स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि सबूत लेकर आइए
मैं वही तो बात करती हूँ को सांच को आंच नहीं होती, सब कुछ आपके सामने है, बार बार आपको उसके लिए सुचेत किया जा रहा है। नवंबर में नियुक्ति हो चुकी है, आज मार्च आ गया है। संजय ऊझा जी बता दें कि क्या कार्रवाई किस डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी, सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलकर लोगों की आंखों में धूल झोंकना, कहीं ना कहीं आज चोर पकड़े गए हैं और गब्बर डर गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबके बीच में ये बात कहना चाहती हूँ, आज आपकी जिम्मेदारी बनती है जो हरियाणा की गाड़ी कमाई का टैक्स पेयर्स का पैसा है उसकी किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, निर्धारित रेटों से ज्यादा रेटों के ऊपर परचेज की जा रही है, अपनी चेती कंपनियों को सिंगल टेंडर दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ पाक और साफ है। जनाब आपके कहने से पाक और साफ नहीं हो जाएगा, आपको जांच करनी पड़ेगी वरना जेल जाने के लिए आप भी तैयार हो जाएंगे। जांच के ही ऑर्डर दिया, आप कहते हैं जांच सिर्फ काफी है। और दूसरी बात, विज साहब ने क्या कहा, विज आज जो आंकड़े जो दुष्यंत चौटाला जी ने पेश किए उसके आंकड़े उन्होंने बता दिए कि ये हुआ, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि और भी कुछ है, तो उस विषय पर मंत्री जी ने कहा कि अगर आपके पास और कोई तथ्य है तो दीजिए। इस बात के ऊपर उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आई और क्या सारी ही बातों के जवाब दे दिए गए क्या? सीबीआई को देने पड़े हो जाएगा। देखिए जो मैं बताता हूं ज्योति जी, जो आरोप आज दुष्यंत चौटाला जी ने लगाया उसके सारे जवाब दे दिए गए। उससे पहले मैं एक छोटी सी टिप्पणी करूं, सजा की बारी बहुत बाद में आती है। सबसे पहले तो ना जिस देश में किसी भी मंत्री संतरी किसी तरह के पद लेने के लिए संविधान की ओथ लेनी होती है, और वहां संविधान की ओथ लेके आदमी खड़ा होता है और वो पॉलिटिकल पार्टी या उनके रिप्रेजेंटेटिव आगे यहां ये बात करे भी आपने गलत किया ठीक किया, इसके अलावा कि ये पॉलिटिकल पोस्ट है, इस देश में जो भी पब्लिक पोस्ट है उसको आप अपनी मर्जी से नहीं भर सकते, आप कोई राजाओं महाराजाओं के युग में नहीं रह रहे, हम एक संविधान द्वारा संचालित हैं और कानून ये कहता है कि पब्लिक ऑफिस जो है आप कस्टोडियन है जनता के ट्रस्ट के, एक मिनट में बोल देंगे आपने ये किया हमने ये किया वो किया, तो फिर वो संविधान की ओथ किस लिए लेते हो, उसको काट दो या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दो, ये एक बात है। दूसरी बात ना, मैं एज नागरिक भी और एज संविधान के आदमी के तौर पे भी, आप बड़ी बड़े आराम से बोल रहे हो 28 करोड़ आए थे उसमें 8 करोड़ खर्च हुए, दिस इज व्हाट इज नोन एज पुअर गवर्नेंस, इससे ज्यादा इनएफिशिएंसी और पुअर गवर्नेंस नहीं हो सकती कि आप पैसा नहीं खर्चते और दूसरा कि आप ये इंतजार करते हो कि कोई दूसरा आगे बताए कि मेरे नीचे क्या हो रहा है। यू आर द आप मालिक हो, और उसमें आप, भी ये कह के साधुवाद लेना कि इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ, थोड़ा ही घोटाला हुआ है। ये मेरा अगला पॉइंट था जो आपने कहा, वो उसको 3,03,300,000 इन बातों में उलझ रहे हैं। आप साफ साफ कहिए घोटाला सामने आया है, ये हमारी नलायकी है कि हमारे मंत्री पद के रहते हमारी सरकार के रहते ऐसा काम हो रहा है। मैं आज के दिन ये टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि इसमें मंत्री इन्वॉल्व है या चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है, लेकिन ये मानिए कि हमारी बेवकूफी है, नलायकी है, किसी ने किसी लिहाज से विभाग का फेलियर है इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। ये इंक्वायरी की जाएगी, अब तक तो जुडिशियल एग्जाम ने इनकार नहीं किया। मैं फिर बता दूं, रुकिए सर रुकिए, बताइएगा स्टोर कीपर ही मिला था चेयरमैन लगाने के लिए, क्या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, इतने सारे रिटायर्ड भी हैं जो बैठे हैं उनके भी, व्हाई दे हैव नॉट बीन अपॉइंटेड, स्टोर कीपर की क्या क्वालिफिकेशन है कि वो चेयरमैन और इस तरीके के डिसीजन लेगा, आप मुझे ये बताइए। एक बात और, जो संविधानिक पद होता है उसकी गरिमा होती है उसी हिसाब से मानक तय किए जाते हैं और उसी हिसाब से लगे हैं। आप देखिए मेरी बात सुनिए, ये आप कह रहे स्टोर कीपर है, मेरी जानकारी में नहीं है कि वो स्टोर कीपर है। दूसरी बात नहीं है, वो स्टोर कीपर नहीं है, ये आपका मानना है, ये आपका मानना है, ये पेपर में लिखा है ना, तो आपका कहना है, वो तो आपका वर्जन है, हमारा वर्जन नहीं है, ये हमारा वर्जन नहीं है। सर सिविल उसमें हॉस्पिटल में स्टोर कीपर का काम किया है माचे ने, सरकार इनकार कर दे, सरकार तथ्यों के साथ इनकार कर दे, सरकार तथ्यों के साथ इनकार कर दे। बिल्कुल, मैंने ये कहा कि गुदयाल जी ने कहा कि उनको मंत्री जी ने कहा इनकार किया इस बात से, देखिए फिर वही बात, आप कह रहे इंतजार कर रहे हैं किस चीज का, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आपको पता है कि वो डॉक्टर था, वही स्टैंड रखी आप, तथ्य
साक्ष्यों के साथ इनकार कीजिए अगर इनकार करना है कि वो गेटकीपर नहीं थे पहले। इससे पहले बताइए अभी, इससे पहले वाले डायरेक्टर को, डायरेक्टर ही बोलते हैं इनको आप, काउंसिल चेयरमैन को हाईकोर्ट ने हटाया, फिर जो भी आरोप थे उसके बाद ये मौजूदा को लगा दिया गया। और ये लगाने के पीछे जो मंशा है वो बता रहे हैं आपको कि पॉलिटिकल पोस्ट हम लगाएंगे, वो इसलिए इसकी क्वालिफिकेशन ना क्वालिफिकेशन तो मैंने नहीं रख ली, इस बात को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, जो 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 राजनीतिक पद होते हैं उसमें राजनीतिक लोग लगते हैं, और जो संविधानिक पद होते हैं तो आपने कहा सर कि पिछली सरकारों में भी लगते वो मानक तय होते हैं। आपने आपने कहा, गलती से कहा होगा आपने कहा, लेकिन जो है मंत्री जी के आप लोगों ने कहा कि टेंडर नहीं दिए गए, आज स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कहा गया कि मैंने ये हमने ये कहा था कल की टेंडर दिए गए, लेकिन टेंडर के जो है प्राइसेस को छोड़ करके प्राइवेट कंपनी से कोट ले ली गई, बाद में उन टेंडर को इग्नोर करके, टेंडर की प्राइसिंग को इग्नोर करके ओवर प्राइसिंग पे खरीदा गया प्राइवेट उससे। इन्होंने टेंडर के तो सारे के सारे रूल को उठा करके फेंक दिया। हमने कहा ये कहते हैं ऑनलाइन टेंडर की, एक भी टेंडर ऑनलाइन नहीं था इनमें से, एक भी, या मंत्री जी बता दे कि कोई ऑनलाइन टेंडर इन्होंने किया। बिल्कुल ऑनलाइन था, टेंडर बिल्कुल, उन्होंने तो समय भी बताया, कैसे उन्होंने तो समय भी बताया, ये आपके आरोप निराधार है, ये आरोप निराधार है, उन्होंने टाइम बताया 4:36, उन्होंने समय भी बताया। गठन का था सर, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए, ये कमेटी के गठन का समय था, करीब 4 बजे कमेटी के गठन का समय, ये वो टेंडर है जिनके बारे में मोदी कह रहे हैं, फोकस कीजिए इस टेंडर को कृपया करके, हैंड रिटन टेंडर है, एक बार इस टेंडर को फोकस कीजिए, ये कैसे इन्होंने किया है, ये इनको ऑनलाइन टेंडर जो अभी संजय आहूजा जी ने कहा, और यही टेंडर, यही वो टेंडर है जो मंत्री जी ने कहा, कमेटी है ये, वो टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं है, जो बीच साहब ने टेंडर डॉक्यूमेंट दिखाया उसको वो, चलिए सर ऐसे ऐसे दर्शक नहीं समझ पाएंगे, रविंद्र धूत साहब थोड़ा विस्तार से इसे बताइए, डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रखे हैं, मैं दिखाता हूँ बीच साहब ने कौन सा टेंडर की बात करी, ये देखो ये है 14 जनवरी 2016, बीच साहब ने ये कहा ये एक टेंडर खुला था, आप इसको फोकस कर सकते हैं, इस टेंडर को कर सकते हैं, ये 14 जनवरी 2016 ऊपर डेट दिख रही है, ज्योति इसकी आप ना इसकी हैंडराइटिंग को देखिए कृपया करके, ठीक है, अब ये मैं दिखाता हूं आपसे, इससे अगली पेज पे ये आ गई आपकी दूसरा टेंडर, ये टेंडर नहीं है, ये कोटेशन है, ये कोटेशन है, टेंडर एक मिनट रुकिए, कोटेशन एक मिनट रुकिए, कृपया करके प्लीज लेट मी, प्लीज लेट मी, आज सब सुनेंगे, ये देख रहे हैं आप इसको कोटेशन को, यहाँ पर आप सिग्नेचर को देखिए, ये सिग्नेचर ये अलग फर्म के हैं, वो अलग फर्म के हैं, दोनों के अंदर जो हैंडराइटिंग दोनों मैच करती है ज्योति, इन्होंने क्या स्मार्टनेस दिखाई कि छह कंपनी ऊपर दिखाइए कि ये अलग कंपनी है, श्रीम फार्मा है, और इससे पहले वाली जो फार्मा है श्रीमान जी, ये जो फार्मा है ये कंपनी है जो लाइफ केयर सेंटर, इस कंपनी का ये कहना है, इस व्यक्ति का ये कहना है जो ऊपर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप यदि माध्यम से आप फोन करके पूछ सकते हैं, इनका कहना है कि मैंने कभी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया। हाँ। ये कोटेशन इसने अपनी मनमर्जी से वहां पर लगाई, और इसी कोटेशन पे इसी कंपनी के नाम पे इन्होंने ये टेंडर खोल दिया, इससे बड़ी बेशर्मी और बेहूदगी नहीं हो सकती सरकार की। अब हम अपने और कमीशन के सारे तथ्य हैं, इतने सारे सबूत हैं, तो कैसे कहा जाएगा सिर्फ जिला स्तर पे धांधली हुई, इतनी बड़ी बात, ये सबूत नहीं, मैं बताता हूँ की परिभाषा आप ही बताइए, मैं बता देता हूँ, बताइए, ये इन्होंने कोटेशन दिखाई, मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट कहा दिखाई है, वो टेंडर डॉक्यूमेंट तो आज अपना दिखाया गया है अपने अभी साहब की तरफ से, टेंडर डॉक्यूमेंट इन्होंने कोटेशन दिखाई है, कोटेशन तो कितना भी आ जाके, और मैं ये बता रहा हूँ ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, ये सरकारी कागज मैं आपको देता हूँ, 14 जनवरी 2016 को टेंडर लगाया गया 2,002,88,67,700 का, और 4:36 के विश्वास ने ये बात की है, ये ऑनलाइन टेंडर उसकी वो विजिलेंस जांच हो रही है, अगर कहीं कोई कमी थी तभी विजिलेंस जांच हो रही है, इन्होंने कहा टेंडर नहीं देखा, कमी थी तो मानिए ना, अगर एक ही इंसान का सिग्नेचर है उसको कहिए गलत है, मंत्री जी ने भी माना, आप मानने से इनकार कर रहे हैं कि सबूत भी नहीं, इन सबूतों सुनिए संजय आहूजा जी, थोड़ा क्लियर कीजिए, मंत्री जी ने कहा कि धांधली है तो जांच करवा लेंगे, सिग्नेचर में भी अगर धांधली आप उसको मानने से इनकार कर रहे हैं, सबूत नहीं है, ये तो कोटेशन दिखा रहे हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, ये टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं है, मंत्री जी ने भी जिन बातों को इनकार कर दिया, कोटेशन नहीं होती, पहली बात मैं आपको ये बता दूं ज्योति जी, जब टेंडर लगता है उसमें कोटेशन नहीं होती, पहली बात, ये कोटेशन दिखा रहे हैं,
मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आपसे ऑन एयर बात कर रहा हूँ। ये हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं, कोटेशन नहीं होती, वकील साहब बैठे हैं, वकील साहब बताइएगा कोटेशन के बिना कौन सा है। वकील साहब ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दोनों पक्षों को आपने सुना। ज्योति जी, ज्योति जी चलिए सुनिए सर, सुनिए सुनिए अभी सुनिए आप सुनिए गुरिंद्रपाल सिंह जी। ऐसे है मुझे एग्जैक्टली इनकी जो ये जो कहना चाहते हैं मुझे इनकी बात समझ नहीं आ रही, पर मैं एक प्रोसेस बताऊं। आपने एक टेंडर इशू कर दिया, टेंडर इशू करने के बाद कोई आपको रिस्पांस देगा कि हम ये चीज दे रहे हैं, तो वो रिस्पांस कैसे आएगा आपके पास? कोई आदमी अपनी कोटेशन से ही रिस्पॉन्ड करेगा आपको? आप दूसरी बात ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ ऑनलाइन टेंडर था, आप सिर्फ ऑनलाइन चीज भेज सकते थे। आप ये भी कह सकते हैं, ये आपका डिफेंस भी हो सकता है और सच भी हो सकता है। मुझे इन बात से कुछ मतलब, इस तरह के सिर्फ हवा में बात करने के लिए नहीं हूं। दूसरी बात यह कि यदि आप एक चीज को मान रहे हो कि इसमें घोटाला हुआ है, तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश मत करें। आप उसकी जांच करना चाहते हैं तो करिए, और जांच इस तरह की हो कि वो निष्पक्ष जांच इस तरह की हो कि लोगों का भरोसा हो कि इसमें बड़े लोग शामिल नहीं हैं। हम लोगों ने या हिंदुस्तान के मैं या ढोल साहब नहीं होंगे उसमें, या रंजीता जी नहीं होगी, लेकिन हरियाणा के लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, आपको एक भरोसा देके आपको खजाना देकर भेजा है, और वो आशा रखेंगे कि इस खजाने की सही मामलों में सुरक्षा होगी। इसलिए मैं एक बात बताता हूँ, ईएसआई की परचेज कमेटी का मेंबर रहा हूँ, और ये कभी नहीं हुआ कि बिना इनवाइस के कोई टेंडर हो, क्योंकि क्या चीज किस रेट, फिर आप उसको डिसाइड कैसे करेंगे कि किसका किस चीज की बात है। मैं आज क्या होता है उसका नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं वो पद छोड़े हुए मुझे 30 साल हो गए, लेकिन मैंने 4 साल में रहा हूं परचेज कमेटी पे। बिना रेट दिए आप टेंडर को डिसाइड कैसे करेंगे? ये कैसे हो गया? तो वो इनवाइस कितनी अजीब सी बात है। मेरी बात तो पूरी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता सर। अच्छा, दूसरी बात जो है मुझे ये समझ नहीं आती, एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता है, वो स्टोर कीपर है नहीं, तो आप हमें बता दीजिए वो डॉक्टरेट लिए हुए है, वो भी आपको नहीं पता, फिर आप उसको कम से कम हमें झूठा तो मत बनाइए। जब आपने कहा नहीं, वो आज की बात करेंगे, आज वो चेयरमैन है, स्टोर कीपर नहीं है। चौधरी बोला कर रहे हैं, चार पेपर दे रहे हैं, वो सारे झूठे। आपने जवाब दिया सर, अभी सुनिए। ज्योति, हर चीज से मैं ना मानू कहने से क्या सच्चाई झूठ में या झूठ सच में बदल जाएगा? आप देखिए कि शगुन ट्रेडिंग कंपनी, जिसको मैक्सिमम टेंडर दिए गए हैं, उनके पास ड्रग का लाइसेंस ही नहीं है, ये इससे बड़ा सवाल निशान क्या होगा? प्रेगनेंसी स्ट्रिप जो 2.90 रुपए की जो टेंडर के उसका आदेश दिए गए हैं, वो 28 रुपए में खरीदी जाती है। कुछ तो जस्टिफिकेशन दीजिए जनाब, कह दीजिए बिंदी लगाना भूल गए बीच में। तो कहीं ना कहीं हर चीज को ये कहना ऐसा नहीं हुआ है, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता है। जनाब, आप चुने हुए लोग हैं, आपकी जवाबदेही बनती है, आप सिर झुकाकर स्वीकार कीजिए कि हमसे गलती हुई है, हम इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। जब तक सेंट्रलाइज इसकी जांच नहीं होगी, तब तक जो है अधिकारियों के ऊपर गाज गिरा करके केवल और केवल ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। स्पष्ट बात है कि उन अधिकारियों को सेंटर से दबाव था कि आपको इन कंपनियों को देने हैं। किसे किस किस अधिकारी को, क्या हरियाणा के सभी अधिकारियों को एक ही फ्रॉड कंपनी दिख रही है? किसे मुरन बना रहे और उसी कंपनी का पैसा जो है चेयरमैन के खाते में जा रहा है, और किसे मुरन बना रहे? मामले की सीबीआई जांच आप लोग करवा लोगे? दो बातें बताता हूँ। ये अभी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मैं दो ही लाइन की बात करूंगा प्लीज। एक तो उन्होंने कहा, मंत्री जी ने कहा हमें सबूत दे, उधर ये कह रहे हैं कि उन्होंने जवाब दे दिया, तो उसका क्या बात होगा? दूसरी बात, एक सिर्फ आंकड़ों की बात, जैसे अभी रंजीता ने कही, प्रधानमंत्री तक ने कहा कि 20,000 करोड़ हमने उज्ज्वला स्कीम में, अगले दिन कह कहा गया 2,000। ये जीरो का हादसा तो इनके साथ शुरू से आखिर तक होता रहता है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, ये जीरो फालतू लग कहां जाती है? सीबीआई से जांच करवाएंगे, क्रिमिनल मांग करते हैं। पहले लाल किले से भी झूठ बोला जाता है। पहले आपको कहा कि जो टेंडर की बात कर रहे हैं उसकी विजिलेंस जांच ऑलरेडी हो रही है। इन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, मैं कब शुरू की विजिलेंस भी आपका है, बताइए ना। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आप ये नहीं बता रहे कब शुरू हुई है बात? तो शुरू होने नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं 30 साल पहले परचेज कमेटी में था,
एक लोकल परचेज होती है, एक टेंडर डॉक्यूमेंट होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट में डीएनआईटी बनती है जिसमें रेट मानक, एक सेकंड बोलने दीजिए फिर, उसमें रेट मानक, जो भी परचेज, जो भी आइटम उसमें डाली जाती है उसके रेट तय होते हैं, वो रेट के हिसाब से वो टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है और कंपनियां उसको उस रेट को डीएनआईटी को सिंगल टेंडर है, ये सिंगल कंपनी टेंडर है, चल पड़े, चलिए इस समय रहने के लिए, तो क्या घोटाला हुआ है और अगर घोटाला हुआ तो कितना बड़ा हुआ उसकी जांच की जाएगी, ये इंतजार का विषय है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।